सो है गाइस, आज लेके आ गए हैं दोस्तों एक रिमोट कंट्रोल रेंज रोवर कार। दोस्तों आप देख सकते हो, ये है दोस्तों 1300 रुपए की और मैंने परचेज की है अमेजोन से। आज देखने वाले हैं ये कैसी चलती है, ठीक ठाक है या नहीं है। चलो बॉक्स को ओपन करते हैं, लेट्स गो। चलो तो अब इसे ओपन कर लेते हैं और बॉक्स कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर डिजाइन दिया गया है। ये है हमारी रिमोट कंट्रोल रेंज रोवर कार दोस्तों। लुक तो बहुत ही गदर लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पर सीडी दी गई है, इस तरह से ये ओपन हो जाती है, यहाँ से बंद हो जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरह से दिया गया है, ये यहाँ से ओपन होता है और पीछे एक टायर लगा हुआ है। आगे से कुछ इस तरह से है और पीछे से कुछ इस तरह से लुक है, बहुत ही अच्छा लुक लग रहा है दोस्तों। और ये है इसका रिमोट जिसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक है। इसके अंदर डलते हैं 2 AA बैटरी जो मैंने पहले से ही डाल ली है और अभी से हम चलाने वाले हैं और देखने वाले किस तरह से चलती है। इसके अंदर भी एक बैटरी डलती है यहाँ पर नीचे 3.7 वोल्ट की जो कि मैंने डाल ली है और इसे हमने ऑन कर ली है कार को। और टायर भी ठीक ठाक लग रहे हैं, क्वालिटी भी ठीक ठाक है इसकी। कुछ इस तरह से चलती है आगे पीछे और दाएं बाएं कुछ इस तरह से मुड़ती है। वैसे देखने में तो ये 1300 रुपए की कार नहीं लगती है, 200-400 रुपए की लग रही है। और हम इसे चलाकर भी देखेंगे। ये देखो दोस्तों, स्पीड तो ठीक ठाक है इसकी पर रिमोट रेंज नहीं है इसकी। ये देखो कितनी दूर है इसकी रिमोट रेंज, आगे रिमोट रेंज भी नहीं है इसकी। चलो तो अब इसे हम थोड़ा सा चलाकर देख लेते हैं कुछ इस तरह से चलती है। और इसकी रिमोट रेंज तो आप देख सकते हो इतनी दूरी है, बहुत कम है रिमोट रेंज। तो ये 1300 रुपए की वैसे तो नहीं लग रही है क्योंकि इसकी रिमोट रेंज भी बहुत कम है और स्पीड भी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। बस इसकी कटाई ठीक ठाक लग रही है, आप देख सकते हो। देखो इसकी लेफ्ट राइट की कटाई बहुत ही अच्छी लग रही है मेरे को क्योंकि बहुत ही कम जगह ले रही है ये मुड़ने में। और बैक भी ठीक ठाक चल रही है और आगे भी सही तरह से चल रही है। और